हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मेरे चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो फिर से नेचर से रिलेटेड होने वाला है, जिसमें आप गुजरात के जूनागढ़ में आए हुए गिरनार पर्वत के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, यदि नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जूनागढ़ जाने के लिए मैंने अहमदाबाद से शनिवार रात को 10:20 पर जाने वाली सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस ट्रेन ली है। ट्रेन रात 10:20 पर अहमदाबाद से रवाना हुई थी, जो राजकोट रात को 2:45 पर पहुंची है और फिर सुबह 4:50 पर मुझे जूनागढ़ पहुंचा दिया है। जूनागढ़ रेलवे स्टेशन से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर भवनाथ जाने के लिए मैंने ऑटो ली है, जिसका किराया मुझे 40 रुपये पड़ा है। भवनाथ आने के बाद आपको ढेर सारी धर्मशाला और होटल देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ की निरंजन धर्मशाला में सस्ते में रुक सकते हो, लेकिन अकेले जेंट्स को ये लोग अलाउ नहीं करते। यहाँ पेड पब्लिक टॉयलेट और बाथरूम भी है, जहाँ मैं फ्रेश होकर गिरनार पर्वत पर ट्रेकिंग करने निकल पड़ा हूँ। तो जो यात्री मेरी तरह पैदल चल के जाना चाहते हैं, उसके लिए इस गेट से जाना होता है। रोपवे के लिए दूसरा रास्ता है। रोपवे सुबह 7 बजे से चालू होता है। मैंने अर्ली मॉर्निंग 5:45 से ट्रेकिंग का श्री गणेश कर दिया है। सफ़र काफ़ी लंबा है, तो मैंने 20 रुपये के रेंट पे ये छड़ी भी ले ली है। अर्ली मॉर्निंग 6 बजे गिरनार पर्वत का व्यू आप देख सकते हो। गिरनार गुजरात का सबसे बड़ा शिखर है, जो जूनागढ़ के भवनाथ तलेटी में आया हुआ है। गिरनार पर्वत को हिमालय से भी पुराना माना जाता है। प्राचीन काल से ही इस स्थल को पवित्र माने जाने के कारण यहां हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु यात्रा करने आते हैं। गिरनार पर्वत पर ट्रेकिंग के दरमियान 4 मुख्य पड़ाव यानी मंदिर आते हैं। 4000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जैन मंदिर आते हैं। वहाँ से 2000 सीढ़ियाँ और यानी टोटल 6000 सीढ़ियाँ चढ़ने पर अम्बे माँ का मंदिर आता है। उससे आगे गुरु गोरखनाथ का मंदिर आता है और फिर 10000 सीढ़ियाँ पूरी करने पर भगवान दत्तात्रेय, जो कि विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, उनका मंदिर आता है। तो इस प्रकार गिरनार पर्वत पर टोटल 10000 सीढ़ियाँ है। हर महादेव। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद रास्ते में यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था की हुई है। यहाँ मैंने सिर्फ एक घूंट पानी पिया है और यहीं से मैंने एक संकल्प लिया है कि जब तक 4000 सीढ़ियाँ कंप्लीट करके जैन मंदिर नहीं पहुँचता, तब तक पानी नहीं पीऊँगा। और फिर आगे अम्बे माँ के दर्शन करके ही नींबू पानी या हल्का फुल्का नाश्ता करूँगा। दस हज़ार सीढ़ियों में से 1100 सीढ़ियाँ मैंने कंप्लीट कर दी है और अभी से मेरी हालत टाइट होना शुरू हो गई है। काफ़ी लोग 6000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अम्बे माँ का दर्शन करके रिटर्न हो जाते हैं, मगर मैंने आज 10000 सीढ़ियाँ कंप्लीट करने का मन बना लिया है। वैसे आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। क्यों खास है वो मैं भगवान दत्तात्रेय के दर्शन करने के बाद आपको बाद में बताऊँगा। गिरनार पर ट्रेकिंग के दौरान आपको कुछ छोटे बड़े मंदिर और खाने पीने के स्टॉल भी दिखाई देंगे। अगर आपको 10000 सीढ़ियाँ चढ़नी है तो आपको पेट भर के नहीं खाना है, उससे आपके शरीर में आलस आएगी और आपको ज़्यादा रुक रुक के भी नहीं चलना है, उससे आप जल्दी थक जाओगे। 2500 से ज़्यादा सीढ़ियाँ कंप्लीट करने पर आपको ऊपर से इस तरह का कुछ नज़ारा देखने को मिलता है। Thank you.
यहाँ से आप जूनागढ़ सिटी का प्यारा सा व्यू देख सकते हो। तो दोस्तों, आप इस जीव को सांप मत समझना, यहाँ ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगे। चार हजार सीढ़ियाँ कंप्लीट करके मैं आ गया हूँ जैन मंदिर के पहले पड़ाव पर, जहाँ आकर मैंने पानी पिया। यहाँ फ्री में जल सेवा की सुविधा की हुई है। यहाँ काफ़ी जैन मंदिर बने हुए हैं, जिसमें से जैनों के पूज्य श्री नेमिनाथ भगवान का मुख्य मंदिर है। यहाँ आकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, दिल को एक सुकून सा मिल रहा है। तो अब यहाँ से आगे 2000 सीढ़ियाँ चढ़ के अम्बे माँ के मंदिर की ओर जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो गिरनार की यात्रा आप साल में कभी भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ लोग सितंबर से मार्च तक भारी मात्रा में आते हैं। सितंबर से मार्च का टाइम यहाँ आने का बेस्ट टाइम है, क्योंकि बारिश में यहाँ रोपवे बंद रहता है और ट्रैकिंग के दौरान फिसलन का खतरा भी बना रहता है, जबकि गर्मी में कोई ट्रैकिंग करना नहीं चाहेगा। मैं यहाँ आज 8 सितंबर को पहली बार गिरनार पर्वत पर आया हूँ। गिरनार की यात्रा के लिए आप जूनागढ़ बाय ट्रेन या बस के द्वारा आ सकते हो। आपको गुजरात के प्रमुख शहरों से बस या ट्रेन आसानी से मिल जाएगी। अगर फ्लाइट से आना चाहते हो तो राजकोट का एयरपोर्ट यहाँ नज़दीक में पड़ता है। अब हम आ गए हैं आसमान की ऊंचाई में, बहुत ऊपर, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। भाई, गिरनार की चढ़ाई काफ़ी कठिन काम है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, यहाँ से मन को मजबूत करके चले चलना है। वैसे अगर आप जवान हो, मन और शरीर से मजबूत हो, तो आपको ट्रैकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपने देखा होगा कई बड़ी उम्र के लोग भी ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो रोपवे का एंडिंग पॉइंट आप देख सकते हो, यानी अम्बे माँ के मंदिर पर मैं बस पहुँच ही गया हूँ। रोपवे से आप अम्बे माँ के मंदिर तक ही पहुँच सकते हो। बाकी के सफ़र के लिए आपको 4000 सीढ़ियाँ चढ़नी और उतरनी होती है, यानी आधे से ज़्यादा सफ़र आप रोपवे से पूरा करते हो, वो भी सिर्फ 10 मिनट में, जबकि मुझे यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे लगे हैं। अर्ली मॉर्निंग 5:45 बजे से मैंने चढ़ाई शुरू की थी और अभी सुबह के 8 बजे रहे हैं। तो इस तरह गिरनार पर्वत का दूसरा पड़ाव मैंने 2 घंटे में पूरा कर लिया है। रोपवे से उतरने के बाद अम्बे माँ के मंदिर की ओर आने से पहले ये गिरनार का मैप बना हुआ है, जिसमें चारों मुख्य मंदिर कितनी ऊंचाई और कितनी दूरी पर है, सभी तरह की जानकारी दी गई है।
तो अब मंदिर में जाके माँ अम्बे के दर्शन करते हैं। ये अम्बाजी मंदिर माँ शक्ति के 51 शक्ति पीठों में से एक है। इस प्रकार इस पवित्र स्थान पर आना और भी खास हो जाता है। दर्शन करने के बाद मंदिर के पास में कुछ खाने पीने की शॉप है, वहाँ से मैं नींबू शरबत पी के आगे बढ़ता हूँ। मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही थी तो मैंने सिर्फ नींबू शरबत ही पिया है, जिसके एक गिलास का मुझसे 40 रुपये प्राइस ली है। यहाँ आपको लगभग सब डबल रेट में ही मिलेगा। यहाँ कुछ लोग जो थक चुके हैं वो आराम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो जो सामने शिखर की चोटी दिख रही है, वहाँ पर गिरनार पर्वत का तीसरा पड़ाव पूरा होता है, जहाँ गुरु गोरखनाथ विराजमान है, यानी उनका मंदिर है। अम्बाजी मंदिर से गुरु गोरखनाथ के मंदिर जाने के रास्ते में सीढ़ियों के दोनों तरफ खूबसूरत अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो आपका मन मोह लेंगे। कुछ लोग यहां आराम से बैठ के फोटो लेने में और वीडियो बनाने में व्यस्त नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, यहां तक आते आते बहुत थक चुका हूं। चलते चलते रास्ते में फ्रूट सलाद मिल रहा था, तो मैंने ये 30 रुपये की वाटरमेलन की डिश ली है, ताकि मुझे थोड़ी एनर्जी मिले और आगे का सफ़र पूरा कर सकूं। तो गिरनार पर्वत के तीसरे पड़ाव पर मैं पहुंच गया हूं। यहां गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी। यहां आप उनकी अखंड ज्योत और चरण पादुका के दर्शन कर सकते हो। यहां फोटो और वीडियो की मनाई थी, तो मैं दर्शन करके गिरनार के चौथे और अंतिम पड़ाव की ओर चलूंगा, जहां विष्णु भगवान के अवतार भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है। गिरनार पर्वत का ये चौथा और अंतिम पड़ाव काफ़ी मुश्किल है। यहाँ से सीढ़ियाँ उतर कर वापस चढ़नी होती है, जो कि ऊंची और खड़ी चढ़ाई है। काफ़ी लोग गुरु गोरखनाथ मंदिर से रिटर्न चले जाते हैं, जबकि कुछ जोशीले लोग दत्तात्रेय मंदिर तक जाकर आते हैं। मेरे पीछे जो पर्वत की चोटी पर मंदिर दिख रहा है, तो वहीं पर भगवान दत्तात्रेय के दर्शन करने के लिए जाना होता है। नीचे जो वो आश्रम दिख रहा है, उसे कुमंडल कुंड कहते हैं। वहां से आपको खड़ी चढ़ाई करनी होती है, जो कि बहुत ही कठिन काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं। यहाँ पर ये भाई साहब फोटो वीडियो के चक्कर में अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। इस पर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपकी जान कीमती है, प्लीज़ आप ऐसी एक्टिविटी को अवॉइड करें।
मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरकर उस जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ ये दो गेट बने हुए हैं, जिसमें से एक गेट का रास्ता आपको भगवान दत्तात्रेय जी के मंदिर तक खड़ी चढ़ाई के साथ ले जाता है, जबकि दूसरा गेट का रास्ता आपको कुंभ मंडल कुंड आश्रम की ओर ले जाएगा, जहाँ आप प्रसादी ग्रहण कर सकते हो। फिलहाल अभी मेरा लक्ष्य शिखर की चोटी पर बने भगवान दत्तात्रेय के दर्शन करना है। चलने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, मेरे कपड़े पसीने से पूरे भीग चुके हैं, लेकिन भगवान का नाम लेते हुए मैं चले जा रहा हूँ। मुझे अभी भी याद है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब स्कूल की किताब में गिरनार के बारे में पढ़ाया गया था। तब से गिरनार जाने की चाह थी, जो कि अब जाके पूरी हो रही है। कल शनिवार को ही मैंने गिरनार जाने का अचानक प्लान बनाया, क्योंकि दूसरे दिन यानी आज संडे है, ऑफिस की छुट्टी है और मेरे लिए खास दिन भी है। तो अब जाके मंजिल पर पहुंचे हैं, गिरनार पर्वत के चौथे और अंतिम पड़ाव पर। यहां तक पहुंचने के लिए 10,000 सीढ़ियों का सहारा लेना होता है। सुबह 6:45 बजे से ट्रेकिंग शुरू की थी और अभी कुछ 10 बज रहे हैं, यानी 4 घंटे में मुझे यहां तक आने में लगे हैं। अंदर फोटो वीडियो की मनाही है, तो मैं अंदर कुछ दिखा नहीं सकता। अंदर भगवान दत्तात्रेय की 3 मुख वाली प्रतिमा है और उनके चरण पादुका बनी हुई है, जिसके दर्शन करके फटाफट आपको वापस आना होता है, ताकि दूसरों को भी दर्शन का मौका मिले और भीड़ ना हो। मंदिर में एक पुजारी, एक सेवादार और एक पुलिसकर्मी हमेशा रहते हैं, और दर्शन के बाद नीचे कुंभ मंडल कुंड आश्रम में प्रसादी लेते हुए जाने का कहते रहते हैं। तो आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा कि आज मैं मेरे जन्मदिन के दिन यहाँ गिरनार की यात्रा की है। यहाँ तक आने में बहुत कठिनाई हुई, मगर दर्शन करके बाद में मन को बड़ी खुशी मिल रही है। तो दोस्तों, आपने पूरे वीडियो में देखा कि गिरनार पर्वत की 10,000 सीढ़ियों की चढ़ाई के दरमियान सबसे पहले जैनों के पूज्य भगवान नेमिनाथ, उसके बाद माँ अम्बाजी, उसके बाद गुरु गोरखनाथ और लास्ट में भगवान दत्तात्रेय का मंदिर आता है। तो ऐसे दिव्य स्थान पर आने का एक अलग ही आनंद रहता है, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आप खुद गिरनार की यात्रा का अनुभव कीजिए। मैंने सभी तरह की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दी है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं अभी कुंभ मंडल कुंड के आश्रम में प्रसादी लेने जा रहा हूँ। तो वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। गिरनार का एक और भी वीडियो आने वाला है, तो बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।